Hi kids, welcome to your English class and welcome back to your new session where we would learn something new and interesting. So we are about to start the series Literary Journeys and English Reader for Class 8 by Brainroot Publications. And today we shall start a new chapter of your book, that is chapter number 6, and the title of the chapter is An Island of Trees. ठीक है, एन आइलैंड ऑफ ट्रीज. चिल्ड्रन, बिफोर वी बिगिन, लेट्स अंडरस्टैंड, डू यू नो व्हाट इज एन आइलैंड ऑफ ट्रीज मींस? यानी आइलैंड मींस क्या होता है, द्वीप या टापू? तो एक ऐसा टापू जिसमें पेड़ ही पेड़ हैं. तो आइए हम पढ़ते हैं. इन दिस लेसन द ऑथर इंसिस्ट ऑन द नीड टू प्लांट मोर ट्रीज टू मेक दिस अर्थ सर्वाइव थ्रू द कैरेक्टर्स ऑफ कोकी, अ लिटिल गर्ल एंड हर ग्रैंड मदर. Through the use of plain and simple language, the author makes it easier for everyone to take home the valid points of making our environment green. Trees are the support system of our life, right? They are the most beautiful creation of nature. अगर पेड़ नहीं होंगे तो life समाप्त हो जाएगी, यानी जीवन धीरे धीरे ख़त्म होने जाएगा. क्यों? Because पेड़ वायु को शुद्ध करते हैं, हमें खाना देते हैं, कई पक्षियों और जानवरों को शेल्टर देते हैं, और हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए हम ट्री या फिर ट्री के प्रोडक्ट्स के ऊपर निर्भर हैं. राइट, वी आर डिपेंडेंट ऑन द ट्रीज इन डिफरेंट डिफरेंट वेज एंड अवर लाइफ वुड बी नॉट पॉसिबल इफ देर आर नो ट्रीज. एंड दैट इज़ वाई इट इज़ मच नेसेसरी दैट वी अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ ट्रीज एंड ट्राई टू प्रोटेक्ट देम एज मच एज पॉसिबल. So let's get started. Let's read a story of कोकी and her grandmother. एक बच्ची है कोकी और उसकी दादी की स्टोरी पढ़ते हैं और फिर पता करते हैं कि ट्रीज क्यों हमारे लिए एसेंशियल हैं और हमें क्यों पेड़ लगाने चाहिए. कोकी एंड हर ग्रैंड मदर वर सिटिंग ऑन अ स्ट्रिंग कॉट इन द शेड ऑफ एन ओल्ड जैकफ्रूट ट्री एंड ग्रैंड मदर वॉज टॉकिंग अबाउट हर फादर एंड हिज ग्रेट लव फॉर ट्रीज एंड फ्लावर्स. तो एक दिन कोकी और उसकी दादी अपने गार्डन में बैठे हुए थे जैकफ्रूट यानी कटहल के पेड़ के नीचे. उन्होंने एक चारपाई पे बैठे हुए थे वो दोनों, और दादी जो है कोकी को अपने बचपन की कहानी और किस्से सुना रही थी कि दादी की जो दादाजी थे वो किस तरीके से अलग अलग पेड़ पौधों को लगाते थे और उन्हें पेड़ पौधों से कितना प्यार था. Grandmother said, I was never able to get over the feeling that plants and trees loved my father with as much tenderness as he loved them. I was sitting beside him on the veranda steps one morning when I noticed the tendril of a creeping vine that was trailing near my feet. As we sat there in the soft winter sunshine, I saw the tendril moving very slowly away from me and towards my father. 20 minutes later, it had crossed the veranda steps and was touching my father's feet. So finally, दादी ने बोला कि मैं आज तक अगर मैं अपने बचपन की यादें तुम्हारे साथ शेयर करूं कोकी, तो सबसे जो प्यारी स्मृतियां हैं वो हैं मेरे पापा और उनके पेड़ों की. राइट, मेरे पापा को पेड़ों से इतना ज़्यादा लगाव था कि ये बोलना मुश्किल है कि वो किससे ज़्यादा प्यार करते थे, और जितना प्यार वो पेड़ पौधों से करते थे शायद पेड़ पौधे भी उतना ही उनसे प्यार करते थे. ऐसा कहते हुए दादी ने कोकी को एक किस्सा सुनाना शुरू किया कि एक दिन बचपन में जब दादी अपने पिता के साथ बैठी हुई थी बरामदे में, तब कुछ क्लाइंबर्स और क्रीपर्स उनके पैर के आगे ऐसे ही गिरे हुए थे. जब उनके पापा और कोकी वहाँ पे बैठ कोकी की दादी वहाँ बैठी, तो वो जो क्लाइंबर था वो धीरे धीरे सरकते हुए किसके पास पहुँचा? दादी के फादर के पास. ऑलराइट, सो इससे शो होता है कि वो जो क्रीपर था, वो जो क्लाइंबर था, वो एक अजीब सा कनेक्ट फील करता था कोकी के दादी के पापा के साथ. क्लियर? This is probably a scientific explanation for the plant's behavior, something to do with light and warmth. But I like to think that it moved simply because it was fond of my father. दादी ने बोला कि शायद कुछ वैज्ञानिक या कुछ पढ़े लिखे लोग ये बोलेंगे कि इसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होगा कि पेड़ उस तरफ गया, लेकिन मेरा यही मानना है कि वो पेड़ पौधे पापा से इतना प्यार करते थे इसीलिए वो पापा के कदमों को चूम रहे थे. One felt like drawing close to him sometimes when I sat alone beneath a tree, I would feel a little lonely or lost.
But as soon as my father joined me, the garden would become a happy place and the tree itself would become more friendly. दादी ने साथ ही ये बताया कि कई बार बचपन में जब वो किसी पेड़ के नीचे बैठती थी, उन्हें काफ़ी अकेलापन महसूस होता था, लेकिन जब भी उनके पापा उनके साथ आके बैठते थे तो अचानक ऐसा लगता था जैसे सारे गार्डन में एक अलग सी ऊर्जा, एक अलग सी एनर्जी भर गई है और पेड़ भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो गया है. Your great-grandfather had served many years in Indian Forest Service and so it was natural that he should know, understand and like trees. On his retirement, he built this bungalow on the outskirts of the town, planting the trees that you see around it now. Limes, mangoes, oranges and guavas, also jacaranda and laburnum and the Persian lilac. In our valley, given the chance, plants and trees grow tall and strong. तो दानी ने बताया कि पता है कोकी, तुम्हारे जो बड़े दादाजी थे, मतलब मेरे पापा, उन्होंने कई साल इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में काम किया और इसीलिए उन्हें पेड़ पौधों से अलग लगाव था. उनके रिटायरमेंट के बाद उन्होंने ये बंगलो बनाया शहर से थोड़ा दूर और जितने भी पेड़ पौधे आज तुम देख रही हो, ये सब उन्हीं ने लगाए थे जो आज इतने बड़े हो गए हैं. और यहाँ तुम वैरायटी पेड़ पौधे देख सकती हो, जैसे कि नींबू के, आम के, संतरे के, अमरूद के, जरकंद, लेबरनम और ना जाने कौन कौन से अलग अलग तरह तरह के पेड़ पापा ने लगाए थे. और आज ये पेड़ इतने हरे भरे हैं, इससे ये प्रूफ हो जाता है कि अगर पेड़ पौधों की सही देखभाल की जाए तो किसी भी जगह पे वो खुशी खुशी उग सकते हैं. Of course, there had been other trees here before the house was built, including an old people which had forced its way through the walls of an old abandoned temple, knocking the brick down with its vigorous growth. People trees are great show-offs. Even when there is no breeze, their broad-chested, slim-waisted leaves will spin like tops, determined to attract your attention and invite you into the shade. तो दादी ने बताया कि ये बिल्डिंग, ये घर बनने से पहले यहाँ और भी पेड़ थे, जैसे कि एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था जो कि मंदिर से लगकर उग रहा था. और पीपल के पेड़ हमेशा ही बहुत घने और बहुत ज़्यादा फैले हुए होते हैं, हवा नहीं भी चलती तो भी पीपल के पेड़ के पत्ते जो हैं अपने आप ही डांस करने लगते हैं, झूम उठते हैं और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. What happened to the temple? asked Koki. Well, my mother wanted the peepal tree cut down, but my father said he would save both the tree and the temple. So he rebuilt the temple around the tree, and there it is on the other side of the wall. The tree protects the temple, and the temple protects the tree. People from these parts feel there is a friendly tree spirit dwelling there, and they bring offering flowers and leaves to them at the base of the tree. तो कोकी ने पूछा, दादी फिर उस टेम्पल का क्या हुआ, उस मंदिर का क्या हुआ? तो दादी ने बताया कि उनकी मदर जो हैं वो चाहती थी कि पीपल के पेड़ को काट दिया जाए, लेकिन उनके पिता जो कि पेड़ पौधों से बहुत प्यार करते थे, उन्होंने कहा कि मैं पेड़ और टेम्पल, मंदिर और पेड़ दोनों को बचा लूँगा. और उन्होंने जो टेम्पल है दोबारा पेड़ के चारों तरफ से कंस्ट्रक्ट करवा दिया. अब ट्री मंदिर को प्रोटेक्ट करता है और मंदिर ट्री को प्रोटेक्ट करता है. और कई लोग जो हैं उनका ये मानना है कि उस पूरे एरिया में जो है किसी पुण्य आत्मा का वास है, इसीलिए वो टाइम टू टाइम आकर पेड़ पर फूल और अलग अलग प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं. डिड यू नो दैट आई यूज़ टू क्लाइम ट्रीज व्हेन आई वॉज अ गर्ल. दिस जैक फ्रूट वॉज माई फेवरेट ट्री. इट्स क्वाइट ईजी टू क्लाइम. यू कैन क्लाइम इट टू, कांट यू? तो दादी ने कोकी को बताया, क्या तुम जानती हो कोकी, जब मैं तुम्हारी तरह छोटी थी तब मुझे पेड़ पे चढ़ना बड़ा मज़ा आता था. और ये जो जैक फ्रूट ट्री देख रही हो ना, जो कटहल का पेड़ है, ये सबसे ईजी है चढ़ने के लिए. मैं तो घंटों इस पे चढ़ के बैठी रहती थी. तुम भी इस पे चढ़ सकती हो. अनदर गुड ट्री वॉज द बैनियन बिहाइंड द हाउस. Its spreading branches, which hung to the ground and took root again, formed a number of twisting passageways. The tree was older than the house, older than my grandparents. I could hide in its branches behind a screen of the thick green leaves and spy the world below. तो दादी ने बोला, एक और पेड़ है जिस पर मुझे चढ़ने का बड़ा मन होता था और मैं उस पर चढ़ के घंटों छुपकर बैठी रहती थी और लोगों को देखती रहती थी.
और वो पेड़ कौन सा था? वो था बरगद का पेड़ जो हमारे घर के पीछे है। उस बरगद का पेड़ पर चढ़ के मैं कई घंटों तक उस पर बैठी रहती थी और पत्तों के बीच में से लोगों को देखती रहती थी, लेकिन कोई मुझे नहीं देख पाता था। और वो पेड़ तो बहुत पुराना है, इवन मेरे दादा दादी के आने से भी पहले से वो पेड़ है। येस, द बनियान ट्री वॉज अ वर्ल्ड इन इट्सेल्फ पॉपुलेटेड विद स्मॉल एनिमल्स एंड लार्ज इंसेक्ट्स। While the leaves were still pink and tender, they would be visited by the delicate map of butterfly who left their eggs to their care. तो एकदम से दादी ने बोला, हाँ वो जो बरगद का पेड़ है ना, वो बहुत सारी यादें लेके आता है। बचपन में मैं देखती थी कि उसमें कई सारे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स और इंसेक्ट्स आके रहने लगते थे, एंड स्पेशली बटरफ्लाइज यानी तितलियों का एक झुंड आता और अपने अंडे जो है बरगद के पेड़ पर छोड़ के चला जाता। द हनी ऑन द लीव्स अ स्वीट स्टिकी स्मियर ऑल्सो अट्रैक्टेड द लिटिल स्ट्राइप स्क्विरल हु सून ग्रू यूज टू हैविंग मी इन द ट्री। दे बिकेम क्वाइट बोल्ड एक्सेप्टिंग फ्रूट फ्रॉम माई हैंड। और जो गिलहरियाँ हैं वो जो पेड़ के पत्तों पे एक स्टिकी सिकी सा शहद आता है उसको खाने के लिए दौड़ी चली आती थी, और मैं क्योंकि पेड़ पे ज़्यादातर छुप के बैठी रहती थी तो वो गिलहरियों से भी मेरी दोस्ती हो गई और अब धीरे धीरे वो मेरे हाथों से भी खाना खाने लगी। At night, the tree was visited by hawk cuckoo. Its shrill nagging cry kept us awake on hot summer nights. We call the bird papiha, which means rain is coming. But father said that according to Englishmen living in India, it seemed to be shouting up and up in the scale, oh dear, how very hot it's getting. We feel it, we feel it, we feel it. दादी ने कहा, गर्मियों के दिनों पर इस पेड़ पे एक बर्ड आके बैठ जाती थी जिसको हम हॉक कुकू बोलते हैं या आम भाषा में पपीहा बोलते हैं। और पपीहा का मतलब क्या होता है? पपीहा का मतलब होता है कि बारिश आ रही है। लेकिन दादाजी यानी दादी माँ के फादर ये बोलते थे कि जो इंग्लिश मैन है यानी जो ब्रिटिशर्स है वो ऐसा नहीं मानते थे। वो इस बर्ड की चिल्लाने को सुन के यही बोलते थे कि वो चिल्ला के यही बताने की कोशिश कर रही है कि गर्मी कितनी ज़्यादा है, चारों तरफ बहुत ज़्यादा गर्मी लगी हुई है। वेल द बनियान हैज़ लॉन्ग सिंस गॉन, इट केम डाउन इन स्ट्रॉन्ग एरियल रूट्स एंड ऑल। फादर प्लांटेड अनदर बट यू कैन सी इट्स क्वाइट अ यंग ट्री। तो दादी ने बोला, एक बार एक बहुत ही खतरनाक तूफान आया था, उसमें फाइनली वो जो पुराना मेरा बरगद का पेड़ है जो बनियान ट्री है वो अपरूट हो गया। बट मेरे पापा ने फिर से एक बनियान ट्री लगाया था, लेकिन एज यू कैन सी कोकी, ये वाला पेड़ अभी भी काफ़ी यंग है, ये अभी उतना घना नहीं हुआ है। The banyan takes a long time to grow. और बनियान ट्री यानी बरगद के पेड़ को उगने में काफ़ी टाइम लगता है। Your great grandfather wasn't content with planting trees in the garden or near the house. During the monsoons, he would walk into the scrub land and beyond the river bed armed with cuttings and saplings and he would plant them out there hoping to create a forest. But grazing cattle always finished them off. अब दादी ने बताया कि तुम्हारे जो परदादा थे कोकी, उनको घर में और घर के आसपास पेड़ लगा के शांति नहीं मिलती थी क्योंकि वो हमेशा जंगलों में रहे हैं, बहुत सारे पेड़ों के बीच में रहे, तो उन्हें लगता था पेड़ जितने भी लगाए जाए उतने कम हैं। तो वो क्या करते थे, छोटे छोटे सैपलिंग्स, छोटे छोटे पौधे लेके नदी किनारे और अलग अलग जगह पर प्लांट कराते थे। लेकिन ये जो पशु चढ़ने जाते ना, घास चढ़ने जाते हैं, या जो केटल है वो उन सैपलिंग्स और पौधों को खा जाती थी, इसीलिए कभी भी ठीक से पेड़ उग नहीं पाते थे। नो वन एवर गोज देयर, आई सेड, हु विल सी योर फॉरेस्ट? वी आर नॉट प्लांटिंग इट फॉर पीपल टू सी, सेड माई फादर, वी आर प्लांटिंग फॉर द अर्थ एंड फॉर द बर्ड्स एंड एनिमल्स हु लिव ऑन इट एंड नीड मोर फूड एंड शेल्टर। तो एक दिन दादी ने अपने पापा से पूछा, आप जहाँ पेड़ पौधे लगाने जा रहे हो वहाँ तो कोई इन पेड़ों को देखने भी नहीं जाएगा, फिर वहाँ लगाने का क्या फ़ायदा? तब उनके फादर ने बोला कि हम किसी के लिए पेड़ पौधे नहीं लगा रहे हैं, हम लोगों के लिए नहीं लगा रहे हैं, हम तो मदर अर्थ के लिए पेड़ पौधे लगा रहे हैं ताकि मदर अर्थ और ज़्यादा हरी भरी और सुंदर हो जाए, और साथ ही वो जो पशु पक्षी हैं जिन्हें इन पेड़ की ज़रूरत है, जिन्हें इन पेड़ पर शेल्टर मिलता है, खाना मिलता है, हम उनके लिए इन पेड़ पौधों को लगा रहे हैं।
Father told me why mankind and not only wild creatures need trees for keeping the desert away, for attracting rain, for preventing the banks of rivers from being washed away. And everywhere people are cutting down trees without planting new, the turning earth into a great desert. तो दादी ने बताया कि उनके पिताजी ने उनको बताया था कि किस तरह से लोग जो है पेड़ों को काटते चले जा रहे हैं बिना सोचे समझे, और इसी की वजह से बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं. बिना सोचे समझे पेड़ों के कटने की वजह से सॉइल इरोजन हो रहा है, मिट्टी बहती जा रही है. पहले पेड़ की जड़ें मिट्टी को पकड़ के रखती थी, पर क्योंकि लोग निरंतर पेड़ काटते जा रहे हैं तो मिट्टी को पकड़ के रखना भी मुश्किल होता जा रहा है. कई जगह से मिट्टी जो है निकल रही है, धस रही है, और साथ ही में क्या हो रहा है, पेड़ कटते तो जा रहे हैं लेकिन लोग नए पेड़ उगा नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से प्रकृति में एक असंतुलन मतलब बढ़ता जा रहा है. ठीक है, और इस संतुलन के बिगड़ने की वजह से आगे चल के हम मनुष्यों को ही दिक्कत होगी. राइट, द थॉट ऑफ द वर्ल्ड विदाउट ट्रीज बिकेम अ सॉर्ट ऑफ नाइटमेयर फॉर मी. इट्स वन रीजन व्हाई आई शैल नेवर वांट टू लिव ऑन अ ट्रीलेस मून. आई हेल्प माई फादर इन हिज ट्री प्लांटिंग विद एवर ग्रेटर एंथुजियाज्म. वन डे द ट्रीज विल मूव अगेन, ही सेड. They will be have been standing still for 1,000 years, but one day they will move again. There was a time when trees could walk about like people. Then long again a terrible demon and a cast a spell over them, rooting them to one place. But they are always trying to move. See how they reach out with their arms. तो कोकी की दादी ने बताया कि मैं बचपन से ही अपने पापा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी, और मैंने भी उनके इस पेड़ लगाओ अभियान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना शुरू कर दिया. मैं भी उनके साथ जाती और अलग अलग जगह पे पेड़ लगाती. और पता है क्योंकि तुम्हारे दादाजी ने मुझे एक बात बताई थी, तुम्हारे जो बड़े दादाजी थे उन्होंने मुझे बताया था कि पहले बहुत साल पहले पेड़ भी, जैसे हम इंसान चल फिर सकते हैं वैसे ही पेड़ भी एक जगह से दूसरी जगह चल फिर सकते थे, लेकिन अब वो चल नहीं सकते क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कई सालों पहले उनको किसी राक्षस ने जो है श्राप दे दिया था कि तुम एक ही जगह पे फिक्स रहोगे. लेकिन वो फिर से कई साल बाद जब श्राप ख़त्म हो जाएगा तब वो फिर से चलना शुरू करेंगे. आज भी वो अपनी जगह पे खड़े तो रहते हैं लेकिन वो अपने ब्रांचेस से, अपने जो पत्तियाँ हैं उनको हिला हिला के हिलने की पूरी कोशिश करते हैं. On one of our walks along the river bank, about a mile upstream from here, we found an island, a small rocky island in the middle of the riverbed. You know what this riverbed is like, dry during summers but flooded during the monsoon. A young tamarind tree was growing in the middle of the island. I and my father said, if a tamarind can grow here, so can other trees. तो दादी ने बताया कि एक बार वो अपने पिता के साथ घूमने निकली, तब उन्होंने देखा कि समुंदर के बीचों बीच एक टापू है जो ज़्यादातर पथरीला है, रॉक से भरा हुआ है, और उसके बीच में इमली का एक पौधा उग रहा है. तब जो बड़े दादाजी थे उन्होंने कहा कि अगर यहाँ इमली का पौधा उग सकता है तो यहाँ बाकी पौधे और बाकी पेड़ भी सर्वाइव कर जाएंगे. एज सून एज द मॉनसून अराइव द वाइट And while the river could still be crossed, we set out with a number of mango, laburnum, hibiscus and coral tree sapling and cuttings and spent the better part of the day planting them on the little island. तो जैसे ही वर्षा ऋतु आई, और जब वर्षा इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं थी, जब नदी को पार किया जा सकता था, तब दादाजी और उनकी बेटी यानी दादी माँ और उनके पिताजी बेसिकली गए और उन्होंने अलग अलग तरह के छोटे छोटे सैपलिंग्स, छोटे छोटे पौधे लगा दिए, जिसमें आम, लेबनम, हिविस्कस यानी गुड़हल, अलग अलग तरह के फ्लावर्स और फ्रूट्स के प्लांट के पौधे उन्होंने उस आइलैंड पे लगा दिए. वी मेड वन मोर विजिट टू द आइलैंड बिफोर द मॉनसून फाइनली सेट इन. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स लुक्ड क्वाइट हेल्दी. The monsoon season is the best time for rambling about. At every turn there is something new to see. Out of the earth and the rock and the leafless bough, the magic touch of summer rain brings forth new life and verdure. You can almost see the broad-leaved vines growing. Plants spring up in the most unlikely places. A peepal took root to the roof. A mango sprouted in the window sill.
My father and I did not want to remove them, but they had to go if the house was to be prevented from falling down. तो दादी माँ ने बताया कि पता है क्योंकि मानसून सीजन सबसे अच्छा टाइम होता है पेड़ पौधे लगाने का. जस्ट मानसून से पहले अगर तुम तरीके से पेड़ पौधों को लगा दोगे तो बाद में बारिश का जो पानी है वो पेड़ पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है. और ये जो समर्स के बाद आई हुई मानसून होती है ना, ये पूरे प्रकृति को फ्रेश और ग्रीन कर देता है. और उस दौरान अगर आप कहीं घूमने जाओगे तो इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी. बहुत सारी चीज़ें आप नई तरह की डिस्कवर कर सकते हो. इफ़ यू वॉन्ट टू लिव इन अ ट्री दैट्स ऑल राइट बाई मी, सेड माई मदर, बट आई लाइक हैविंग अ रूफ ओवर माई हेड एंड आई एम नॉट गोइंग टू हैव इट ब्रॉट डाउन बाई अ हैंडिंग फॉरेस्ट. ऑलरेडी आई कैन सी रूट्स ब्रेकिंग इन थ्रू द सीलिंग. द विजिटिंग ट्रीज वर केयरफुली रिमूव्ड एंड ट्रांसप्लांटेड इन द गार्डन. वेन एवर वी केम इन डोर्स फ्रॉम अवर गार्डनिंग एंड सैट डाउन टू अ मील, अ लेडी बर्ड और अ कैटरपिलर विड इनवेरिएबली वॉक ऑफ अवर स्लीव्स एंड वंडर अबाउट द किचन, मच टू मदर्स अनॉयंस. तो दादी ने बोला पता है हमारे आसपास इतने पेड़ पौधे रहते थे कि कई बार लेडी बर्ड, कैटरपिलर्स ये लोग भी हमारे आसपास आ जाते थे. हम जब भी बाहर खाने बैठते थे तो कभी कोई लेडी बर्ड आ जाती, कभी कोई कैटरपिलर हमारे हाथ पे आके बैठ जाता या कोई किचन में घुस जाता. और मेरी मम्मी जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा करती इन चीज़ों को देख के. There were flowers in the garden too. My mother loved fragrant flowers like roses, sweet pea, jasmine and queen of the night. But my father and I found trees more exciting. They kept growing and changing and attracting birds and other visitors. The banyan tree really came to life during the monsoon. The branches were thick with scarlet figs. They couldn't eat the berries, but the many birds that gathered in the tree, gossipy, rosy pasters, quarrelsome mynas, cheerful bulbuls and coppersmiths and sometimes a noisy bully crow would feast on them. So dadi ne bataya ki tumhe pata hai kyunki meri mummy ko na flowers bahut pasand the. Unhe khushbudar phool jaise rose, चमेली, रात की रानी, ये पेड़ उन्हें बहुत पसंद थे. लेकिन मैं और मेरे पापा, हमें पेड़ ज़्यादा अच्छे लगते थे क्योंकि पेड़ जो हैं हर सीज़न में चेंज हो रहते रहते हैं. कभी वो बहुत हरे भरे होते हैं, कभी उनके पत्ते सूख जाते हैं, फिर से नए पत्ते आते हैं. तो ये चेंजेस नोट करने में बड़ा मज़ा आता है. और साथ ही में पेड़ पौधों पर कई ज़्यादा जो विज़िटर्स आते हैं, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट तरह के बर्ड्स आएंगे अलग अलग सीजन्स में, और इन बर्ड्स को देखना, उनकी आवाज़ें सुनना, इसमें भी बहुत मज़ा आता है. When night fell and the birds were resting, the dark flying foxes flapped heavily about the tree, chewing and munching loudly as they clambered over the branches. The tree crickets were a band of willing artists who would start singing at almost any time of the day. At the height of the monsoon, the banyan tree was like an orchestra with the musicians constantly turning up. So basically, मॉनसून सीजन में बनियान ट्री यानी बरगद के पेड़ का दृश्य देखने लायक होता था. तरह तरह के पक्षी आकर उसमें घर बनाएंगे और दिन भर कोई ना कोई पक्षी या तो चहचहा रहा है, रात को उसमें अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स आ जाएंगे और सब अपनी आवाज़ में कुछ ना कुछ आवाज़ निकालेंगे. ऐसा लगता था जैसे मानो पूरा ऑर्केस्ट्रा बज रहा है ट्री के ऊपर ही. बट दे मस्ट हैव थॉट पुअरली ऑफ माई पाइपिंग बिकॉज वेन एवर आई प्लेड द इंसेक्ट्स फेल्ट साइलेंट. When I grew up, I was married and went to live with your grandfather in Bombay. We were there for many years and I could only visit my parents here once or twice in the time. I had no brothers, so when my parents died, they left the house to me. It will be yours one day. Would you rather live here or heat pokey little house in the town? So dadi ne bola, main apne mata pita ki अकेली संतान थी, मेरे कोई भाई बहन तो थे नहीं. तो मेरी शादी के बाद मैं बॉम्बे चली गई और साल में एक या दो बार ही आ पाती थी मैं. इसलिए उनके डेथ के बाद ये घर उन्होंने मुझे दे दिया. और जब मेरे हस्बैंड यानी तुम्हारे दादाजी रिटायर हुए तब हम लोगों ने इस घर में शिफ्ट कर लिया. एक दिन ये घर तुम्हें मिलेगा. अब तुम बताओ कुकी, तुम इस हरे भरे गार्डन फुल ऑफ घर में रहना पसंद करोगी या शहर में उस भीड़ भाड़ वाले छोटे से घर में जहाँ गर्मी इतनी ज़्यादा होती है. Here, said Koki, but only if you are here too, Granny. तो उसने क्या बोला कि बिल्कुल दादी मैं यहीं रहना पसंद करूँगी लेकिन आपके साथ जब आप भी यहाँ होंगी.
The trees will be here, said Granny. And what about the island, said Pokey. The trees you planted with your father, are they still there? तो होकी ने पूछा कि दादी उस आइलैंड का क्या हुआ, उस टापू का जिस पे आपने और आपके पापा ने पेड़ लगाए थे, क्या वो आज भी वहाँ पर है? You can see them for yourself if you feel like a walk. But I'll tell you what I found when I came to live here again after 20 years or more. I walked out of the old house and took the same path that my father and I used to take during our walks. दादी ने कहा तुम चाहो तो खुद जाकर एक चक्कर लगा आओ और आइलैंड को देखाओ, लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ जब 20 साल बाद मैं यहाँ रहने आई तो मुझे क्या दिखा. जब पहली बार मैं राउंड लेके निकली तब मैंने देखा, इट वॉज फेब्रुवरी आई रिमेंबर, एंड एज आई लुक्ड अक्रॉस द ड्राई रिवर बेड माई आईज वर इमीजिएटली कॉट बाई द स्पेक्टेकुलर रेड प्लूम्स ऑफ द कोरल ब्लॉसम. इन कॉन्ट्रास्ट टू द ड्राई रिवर बेड द आईलैंड वॉज अ स्मॉल ग्रीन पैराडाइज. When I walked over to the trees, I noticed the number of parrots had come to live in them. A small spotted deer scampered away to hide in the thicket, and a wild pheasant challenged me with a mellow, "Who are you? Who are you?" तो दादी ने बताया कि 20 साल बाद जब वो वहाँ गई नदी किनारे दोबारा, तो उन्होंने देखा कि नदी की जो पानी है वो सूख चुका है, लेकिन आइलैंड के जो पेड़ उन्होंने और उनके पिता ने लगाए थे वो पूरा हरा भरा और घना हो गया है और बहुत सुंदर हो गया है, और उसके अंदर जो है बहुत तरह तरह के फूल खिले हुए हैं. दादी जब वहाँ गई तो उन्होंने देखा कि कई सारे पैरट्स भी आकर उसके अंदर बैठे हुए हैं. ऑलराइट, बट द ट्रीज सीम टू नो मी, आई एम श्योर दे विस्पर्ड अमंग देमसेल्व्स एंड बेकॉन मी नियरर. आई रैन माई हैंड्स ओवर देयर बार्क्स एंड इट वॉज लाइक टचिंग द हैंड ऑफ ओल्ड फ्रेंड्स. And looking around, I noticed that other small trees and wild plants and grasses had sprung up under their protection of these we had planted there. उन्होंने बोला कि जब मैं उन पेड़ों के पास गई मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने पुराने दोस्तों से मिल रही हूँ, और मुझे एहसास हुआ जैसे वो पेड़ पौधे भी मुझे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं और अपने पास बुला रहे हैं. The trees had multiplied, that forest was on the move. In one small corner of the world, my father's dream was coming true and the trees were walking again. So finally, दादी ने बोला कि जितने पेड़ हमने लगाए थे आज उस आइलैंड पे और भी ट्रीज आ चुके हैं और भी बहुत सारे ट्रीज ग्रो कर रहे हैं, और मेरे पापा ने जो सपना देखा था कि एक दिन यहाँ पे जंगल बनाएंगे या एक दिन ये पेड़ पौधे भी मूव करेंगे, ऐसा लगता है कि दुनिया के किसी कोने में वो सपना उनका सच हो रहा है. सो दिस वॉज द स्टोरी बाय रस्किन बॉन्ड. नाउ लेट्स डिस्कस द वर्ड मीनिंग्स. स्ट्रिंग कॉर्ड, अ सिंपल कॉर्ड मेड ऑफ बैम्बू एंड रोप, वो जो रस्सी से बंधी हुई चारपाई या खटिया रहती है उसको. जकारंदा, ट्रॉपिकल ट्री विच हैज़ ब्लू ट्रम्पेट शेप फ्लावर्स एंड फ्रेगनेंट वुड. ठीक है. लैबर्नम, अ ट्री विथ ब्लाइट येल्लो फ्लावर्स. श्रिल नैगिंग क्राई, मतलब बहुत ऊंची आवाज़ में शोर करना या चिल्लाना. स्क्रबलैंड, अ एरिया विच इज़ कवर्ड विथ शॉर्ट ग्रास, छोटी छोटी घास से भरा हुआ एरिया. वर्डियोर, ग्रीनरी फ्लरिशिंग वेजिटेशन यानी हरे भरा एरिया. सिकाडास, इंसेक्ट्स विद लार्ज विंग्स. ठीक है, ऐसे इंसेक्ट्स जिसके बड़े बड़े विंग्स होते हैं और जो कि बहुत ऊँचे ऊँचे उठते हैं ड्रोन के जैसे. पोकी लिटिल हाउस, टाइनी एंड क्रैम्पल्ड हाउस. एंड फिजेंट, अ लॉन्ग टेल्ड बर्ड दैट लिव्स इन थिक बुशेस. ठीक है, जो घने पेड़ पौधे में छुप के बैठा रहता है. ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द एक्सरसाइजेस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव MCQs, तो आइए एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं. वेयर वर कोकी एंड हर ग्रैंडमदर सिटिंग? दे वर सिटिंग अंडर द शेड ऑफ बनियान ट्री अलॉन्ग द रिवर बैंक अंडर द शेड ऑफ जैकफ्रूट ट्री. नन ऑफ द अबव. They were sitting under the shade of jackfruit tree. Okay, next. Second, what were Cookie and her grandmother doing? They were enjoying cool breeze. Grandmother was narrating incidents about her father and his love for trees. They were planting trees. None of the above. So V is true. दादी अपने और अपने पापा के किस्से बता रही थी. ठीक है, कि उनके पापा पेड़ों से कितना प्यार करते थे ये बता रही थी. Third, the tendril moved away from grandmother's feet towards the father because her father pulled it. It liked keep moving. It was fond of her father. None of the verb. It was fond of her father. Okay? चलिए आगे बढ़ते हैं.
Fourth part, it was natural for a man who has served in Indian Forest Service. It means he served for nation. He understood and liked trees. He planted many trees. None of the above. Second, he understood and liked trees. Okay. Answer the following questions after reading the statements. हमें चैप्टर की कुछ लाइंस दी हुई हैं, हमें पहले उन लाइंस को पढ़ना है, समझना है और उसके बाद जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको आंसर करना है. तो चलिए करते हैं. फर्स्ट वन, द बनियान ट्री वॉज वर्ल्ड इन इटसेल्फ. हु इज़ द स्पीकर? ग्रैंड मदर इज़ द स्पीकर. दादी ये बोल रही हैं तो ग्रैंड मदर इज़ द स्पीकर. वाई डिड द स्पीकर से सो? द स्पीकर सेड सो बिकॉज बनियान ट्री वॉज यूजुअली वेरी बिग एंड इट वॉज अ होम टू मैनी बर्ड्स एंड अदर इंसेक्ट्स. ठीक है. सेकेंड लाइन, वी आर नॉट प्लांटिंग इट फॉर पीपल टू स्लीप. हम इनको लोगों को देखने के लिए नहीं लगा रहे हैं. सो हु स्पोक दिस वर्ड्स? ग्रैंड मदर्स फादर, यानी कोकीज ग्रेट ग्रैंड फादर स्पोक दीज वर्ड्स. हुम द स्पीकर सेट दीज वर्ड्स टू? दीज वर्ड्स वर स्पोकन टू कोकीज ग्रैंड मदर. ऑल राइट, ग्रेट ग्रैंड फादर सेट दीज वर्ड्स टू कोकीज ग्रैंड मदर. क्लियर? So children, now we have exercise number C. Use these words in sentences of your own. They have given 5 words and you have to frame sentences. So this is something to be done by you. आप ये खुद करेंगे. इन शब्दों का प्रयोग करना है आपको वाक्य में. So you have to prepare your own sentences. So you will be doing this exercise on your own. Okay? So with this, I think we are done with your session today. I have completed another chapter of your book and I hope that you enjoyed the session and you have understood the importance of trees and why they are very much important in our life. So with this, we finish with today's session, children. I will meet you again with a new chapter of your book very soon. So stay tuned for the new video. Bye bye and take care.